और बाकी आपको सब दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये वो मंदिर और ये देखो। बाकी आप जंगल भी देखना यार, यहाँ पे तो अभी नॉर्मल है सब कुछ। और मेरे बाल पूरे खराब हो चुके हैं, मैंने इतनी सुंदर सी आज ऐसे छुट्टी बनाई है इस टाइम, तो मैं वहीं जाकर दिखाऊंगी आपको। गाइज आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जंगल सफारी में शेर देखकर आऊं और आप सबको भी दिखाऊं। लेमन अरोड़ा पीते हैं, फ्रूटी नहीं। धूप बहुत तेज है इसलिए मैंने सर पे इसको कवर कर लिया है, लेकिन अभी जंगल सफारी जाने का हमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा कम से कम हाफ एन आवर, क्योंकि भैया ने बताया टोटल 20 किलोमीटर पहले जाना है, उसके बाद सफारी स्टार्ट होगी। लायन है क्या वहाँ पे? नहीं, लियोन है। अगर मुझे दिखता है तो मैं आप सबको भी दिखाऊंगी, और मुझे कुछ भी अगर बाय चांस और बाय डेस्टिनी कुछ दिख गया तो मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी, बट मुझे शेर देखने का मन है और आज मैं चाहती हूँ मेरी जंगल सफारी सक्सेसफुल हो जाए बस। बड़ा खतरनाक है भाई, इट्स वेरी डेंजरस गाइस, इट इज वेरी डेंजरस। अब लग रहा है स्टार्ट हो गया, जंगल स्टार्ट हो गया है गाइस, तो अभी बस पर्ची कटेगी। बस आज मुझे शेर दिख जाए, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पे है कि आज मुझे कुछ ना कुछ तो देखना है जंगल सफारी में और आपको भी दिखाना है। शोर करने से मना किया गया है क्योंकि अब जंगल स्टार्ट हो गया है, लेकिन व्लॉग करना जरूरी है तो मैं धीरे बात करूंगी, किसी को कुछ भी कभी भी दिखाई दे सकता है, तो हम ध्यान दे रहे हैं और जैसे ही कुछ भी दिखता है तो आपको भी दिखाऊंगी। क्या कह रहे भैया? आईडी दे दो भाई, सब अपनी अपनी आईडी दो, एक दे दो कोई भी। सो गाइस ये जंगल में एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे अब हुई नहीं है, होगी होगी, यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ पे पर्ची कटवानी होती है। तो जितने लोगों ने अभी तक जंगल सफारी नहीं किया तो मैं सब बता रही हूँ, आपको पता रहेगा, तो आईडी प्रूफ जरूर लेकर आना। हम तो लेकर आए नहीं है, तो मनमीत ने अपनी आईडी दिया और इस बेचारी का क्या करें? इसका सब कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कहाँ गए इसके व्लॉग में पता लगेगा आने वाले। और गाइस आज हम जो ये जंगल सफारी आए हैं उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे छोड़ने आए हैं यहाँ पे अंदर, क्योंकि इसका शहर में कोई काम नहीं है, ये जंगलों में रहने लायक है। यहीं से उठा के लेके गए थे हम, जंगल से ही लेकर गए थे बेचारी, करके पेड़ से नीचे आई थी ये बहुत ही। अंकल ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, इनको बिठा दिया। बताओ शोना, आप बताओ क्या बोलना चाहते हो? मुझे देखो मैं कितनी अच्छी जगह, इनके पास गन है, बताओ आपको किनके पास? दी के पास, हाँ। ये हमारी गाइड है आज की, जो हमें सब बताएंगे जंगल में शेर कहाँ दिखेगा, हाथी कहाँ दिखेगा और डायनासोर कहाँ। ये बोल रहे हैं जैसे शेर दिखे ना, गन का यूज करते हुए हमें मार दे। दी पॉसिबिलिटी है कि आज दिखेगा, हम बढ़ाने के चाल है, मुझसे पूछो। ठीक है, सारी सफारी बोल रहे हैं जी। ओ लो, बाय चांस होता है कि दिखेगा, नहीं दिखेगा वो आपका चांस। और यहाँ सारे अनलकी बैठे इसमें खड़े होके हम पूरा जंगल देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने अंकल को बोला कि हम जाएं तो कहते नहीं जाना नहीं है। अच्छा ये बन रहा है उनके लिए कि यहाँ पे घूम सकते हैं। जो भी जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी करने आएगा वो ये सोच करना है कि आपको शेर दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइगर होते हैं। अभी अभी हमारी न्यू जो गाइड बनी है उन्होंने बताया ये दो रास्ते थे और अंकल जी ने हमसे पूछा कि इधर जाना है या इधर, तो हमने ये चूज किया, हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, अब हमारी किस्मत हमारे साथ। नौ, एक कैमरा, दो कैमरा, तीन कैमरा, बना ही नहीं। हमें हाफ एन आवर हो गया है गोल गोल घूमते घूमते और हम सब इतना ध्यान लगा के पूरे जंगल को देख रहे हैं कि हमें कुछ दिख जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, बट अंकल कह रहे हैं कि आगे दिख सकते हैं। हमने सबसे बड़े वाली सफारी चूज़ की है जिसमें शायद दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कुछ ना कुछ, तो देखते हैं। क्या था? चिकलू, ओ बेटा चिकलू, जमी हुई है।
ये पूरा पानी है गाइस, अगर इसमें गलती से इसको नॉर्मल बंदा जंगल में फंस जाए तो वो सीधा डूबेगा। बट फाइनली हम लोगों को हिरन ही गाइस यहाँ पे बारहसिंगा नहीं था, चीता था, मेल था, मेल डियर था। मुझे तो टाइगर ही लग रहा है। दूसरे उसमें घूम रही है, मेल ही आना नहीं आते। वो दीदी आरएस की बोतल लेकर आ रही है और बहुत अच्छी क्योंकि सफाई का ध्यान रख रही है। ओल्ड मोंगा ही जो भी है बट सफाई का ध्यान रख रही है ताकि जंगल में गंदगी ना हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं भी पैकेट डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। टाइगर चल रहा है, ये डियर बोल रही है। अच्छा डियर का सामने, अच्छा डियर बोल रही है मतलब शेर आ रहा है। जब जान का खतरा होता है तो जानवर ऐसी आवाज निकालते हैं। अंकल कह रहे हैं यहाँ पे टाइगर है, ये कॉल है मतलब टाइगर की, तो वेट कर रहे हैं। मैंने बताया कि यहाँ पे अंकल क्या बता रहे हैं, अंकल क्या बता रहे हैं, टोटल 80,000 ईयर्स है। ओह पूरे पार्क में, इस पार्क में। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट पार्क है, नीचे पानी का तो आपको यहाँ अभी तक जहाँ तक मानना है आ जाओ। तो जरूरी नहीं क्या है ले लीजिए। जान बचाते हुए भाग रही है, इसका मतलब टाइगर आने वाला है। काम ही नहीं कर रही, क्या करना है। आपको दिखते हैं अंकल, दिखी जाता हमें तो, हम जाते रहते हैं। आज फिर आपकी किस्मत अच्छी है, डेली तो नहीं दिखा है। काफी देर वेट करने के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि शेर आया नहीं, बस उसने सारी हिरन को डराया। जो कॉल थी वो मिस कॉल हो गई, तो अभी आगे जाके देखते हैं फिर से टाइगर या लेपर्ड कुछ दिख जाए तो। ये इस जंगल के बीच में पूरा गेस्ट हाउस है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो और आप अपनी गाड़ी में नहीं आ सकते, और ये ट्री हाउस है। वाह, मुझे ट्री हाउस में जाना है। चलो, तो ड्रीम था जंगल में ट्री हाउस, अभी ये बन चुका है क्या? सारे यहाँ स्टे करते हैं। हाँ स्टे करते हैं। कितने डेज पहले बुकिंग करानी होती है? 45 days। यार यही करा लेते हैं, अभी करा दूं? अभी तो 45 days कहाँ हुए थे। अच्छा अभी से कराओगे फिर वापस आएंगे? हाँ जाएंगे, आप कहोगे तो। अरे शीशे से अच्छा है, हम 2-3 बंदों के लिए तो सही है। आ जाऊंगी, जाओ आप। चलो नहीं मैं आ जाऊंगी। वैसे रात को जो भी इस ट्री हाउस में रुकेगा उसको तो रात को पता लगेगा कि कितना डर लगता है और क्या एक्सपीरियंस होता है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि यहाँ पे एक बार स्टे करूँ। तो 45 days पहले बुकिंग करानी होती है, तो हम जब भी कोई नेक्स्ट प्लान करेंगे जिम कॉर्बेट का तो मैं यहीं के लिए करूँगी पक्का श्योर, क्योंकि हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए यार। यहाँ से आप रात को जब पूरा जंगल देखोगे तो बहुत अलग दिखेगा, और यहाँ की जो साउंड है ना जंगल की बहुत अलग है। वहाँ यार टाइगर दिखते दिखते रह गया, वो यही बोल रहे थे बार बार कि कॉल है कॉल है कॉल है, क्योंकि वो जो डियर होते हैं ना आपस में एक दूसरे को कॉल देती हैं, कोई कैट फैमिली में से अगर दिखता है लाइक टाइगर या लेपर्ड। बट भाग ही रही थी वो बच बच के, कोई आया नहीं और हमने वेट भी नहीं किया ज़्यादा। अभी तक बारहसिंगा देखा है, डियर देखा है और बस, और बंदर देखे हैं, लंगूर देखा है, ये चार चीज़ें देखी हैं, पर मुझे टाइगर या लेपर्ड देखना है। देखती हूँ।
वूफी के दो फ्रेंड्स, वूफी के फ्रेंड नहीं है, शिकारी है, है एक और थीम के साथ। आप यहाँ से हमें भागना पड़ रहा है क्योंकि शेर की कॉलिंग हो गई है, शेर नहीं टाइगर, तो देखते हैं मिलता है या नहीं। फिर से उम्मीद के साथ जा रहे हैं सब, नहीं सब फुल स्पीड फुल पावर में भागते हुए जा रहे हैं क्योंकि शेर की कॉलिंग हो गई है। कोई फोटो रील कोई कुछ नहीं करवा पाया और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब हमें दिख जाएगा। फिर से वेट किया था बट कुछ दिखा नहीं, फिर एक और स्पॉट पे जा रहे हैं, शायद वहाँ दिख जाए। अच्छा वो मेल डियर है और मैंने एक्साइटमेंट में आसमान में कैमरा कर दिया था अभी। चलो इतनी सारी दिखी फाइनली। पीछे सुअर लड़ रहे हैं। हाँ दो सुअर भाई, मैं तेरे साथ लड़ रहा हूँ, तू मेरे साथ ना बकवास कर रहा था, मैं तेरे लड़ रहा हूँ। फाइनली गाइस इतनी सारी डियर मुझे दिखी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया जंगल सफारी में, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा था कि 3 घंटे की सफारी है तो दिखेगा टाइगर, पर 3 मिनट में निकल गए, पता नहीं निकले भी हैं पूरे, निकल गए 2 बजे का टाइम था, 5:30 हो गए, मज़ा नहीं आया। पर हम निकले 3:30 बजे। तो कोई भी ना इस वाले जोन को चूज मत करना, इको टूरिज्म जोन फाटो, फाटो जंगल था ये, लोग जबरदस्ती लेकर आते। बाय बाय, थैंक यू। कोई नहीं गाइस, सफारी का मज़ा ऐसे तो ले ही सकती हूँ, कोई दिखे या ना दिखे, पर काफ़ी चीज़ें देख भी ली हैं तो सेटिस्फाइड है। इतनी सारी हिरन, बंदर, लंगूर, मुर्गी, सुअर, जंगली सुअर फाइट कर रहे थे, और जंगली सुअर क्या हिरन खाते हैं? अरे पागल हो गया, जंगली है ना, क्योंकि मुझे लगा खाते होंगे। और अच्छा लग रहा है ऐसे। वो ना, हाँ जी, वो जो सुअर है ना, हाँ, वो मारता नहीं है, फिर अगर मरा हुआ कुछ मिल जाएगा ना। अच्छा, तो अच्छा आता ना। जंगली सुअर मार मतलब शिकार नहीं करता, मरा हुआ कोई चीज अगर उसे दिखेगा तो खा लेता है, बचा कुछ लेफ्ट ओवर फूड जो टाइगर छोड़ते होंगे। अभी रास्ता लंबा है तो हम तब तक ये खा लेते हैं, ये साहिल लेकर आए थे और भूख लग रही है बहुत तेज। आज का डे सबसे वेस्ट था हमारा, पता है आपको? कुछ नहीं देखा हमें, कुछ भी नहीं देखा। कौन से जोन में भेजा था आपने? फाटो, सबसे बेकार। पता है क्या देखा? हिरन, बंदर, लंगूर, मुर्गी और मोर। तो यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनको डॉग्स बहुत पसंद है, तो वो उनका नाम मैं आपको दिखाऊंगी। वो देखो उसको हक कर रहा है, तो वो ये बोल रहे थे कि इसको मेरे पास छोड़ दो क्योंकि जंगल सफारी में ये अलाउ नहीं था डॉग, इसकी स्मेल आ जाती है, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला था आप टेंशन मत लेना, मैं इसको अच्छे से संभाल लूंगा। तो अभी हम जस्ट थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरे फेस पे, सो गई थी और अभी उठी हूँ और सबने खाना खा लिया है, पता नहीं किस किस ने, साहिल ने तो खा लिया है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। आज का डिनर है वो चिकन, वो तो मैं खाते नहीं। अच्छा, फ्राइड राइस, मंचूरियन, पनीर लबाबदार और बैंगन का भरता। दाल नहीं है आज, अरे ये कौन सी वाली, कल वाली कोई और है? अच्छा दाल मखनी, ओके ओके। बूंदी रायता, प्लेन राइस, बस दाल मखनी रह गई है और तवा रोटी, वो मैं जब खाऊंगी तब दिखा दूंगी। खाया इसने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बैंगन का भरता नहीं हो जाएगी 6 बोतलें में, तू कैसी बात कर रही है। सो गाइस, डिनर हमने कर लिया है और अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बस अब चेंज करके सीधा सोएंगे। तो मिलती हूँ आपको कल, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जंगल सफारी तो हमारी फ्लॉप थी और हमने ट्राई किया था नाइट में जंगल सफारी करने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम लेट हो गए। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम फिर से नाइट सफारी करेंगे और क्या पता फिर हमें टाइगर या लेपर्ड दिख जाए।
तो मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। कौन था ये? साहिल। नहीं क्या बदतमीजी है ये, आपको दिख रहा है बाय बोल रही हूँ। मिलते हो गाइस आपको कल, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।